आगरा के लाल किले से जुड़ा है आज़ादी का इतिहास। आज़ादी की लड़ाई में आगरा का बड़ा योग। आगरा किला पर दो भाइयों ने अंग्रेजी राज में ही तिरंगा फहरा दिया था। अकबरी चर्च को लूट लिया गया था क्योंकि उसमें सोना चांदी था। पूरे गांव पर 100-100 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना अदा न करने पर मवेशी और घर बेच दिए गए थे। अंग्रेज़ों को किले में छिपकर जान बचानी पड़ी थी। तात्या टोपे की शरण स्थली बने गोकुलपुरा की दीवार को तोप से उड़वा दिया गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ बाल गंगाधर तिलक भी आए थे। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह नूरी गेट के अलावा छोटा गालिबपुरा में रुके थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ भानु प्रताप सिंह। पत्रिका आगरा फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस 2 दिन बाद आने वाला है। मन में अपार खुशी है कि हमारा भारत गणतंत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुआ उस दिन। आगरा में इस गणतंत्र को हम जो मना रहे हैं, इसमें आगरा में किस किस तरह से गतिविधियां रहीं, क्रांतिकारी इतिहास क्या रहा, इस बारे में हमारे साथ विस्तृत जानकारी देने के लिए मौजूद हैं आगरा के प्रसिद्ध इतिहासकार राजकिशोर राजे जी। उनकी तमाम पुस्तकें आगरा के इतिहास पर, देश विदेश के इतिहास पर आ चुकी हैं और वो किताबों से टीप कर अपनी किताब नहीं लिखते हैं। जो भी ऐतिहासिक स्थान है वहां जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पूछताछ करते हैं, संदर्भ ग्रंथ देते हैं, उसके बाद उनकी किताबें आती हैं। इसलिए उनकी बात बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। हम जानना चाहेंगे, राजे साहब का स्वागत है पत्र आगरा फेसबुक पेज पर। हम जानना चाहते हैं कि आगरा का योगदान क्या है आज़ादी के इतिहास में, अगर 1857 से बात करें तो। सन 1857 में दिल्ली में 11 तारीख को क्रांति हुई थी, 11 मई को 1857 को। उसके 3 दिन बाद आगरा में इसकी सूचना पहुंची थी और उसके बाद आगरा में क्रांति हुई थी। अंग्रेजों को जो है लाल किले में जाकर छिपना पड़ा था। आगरा कॉलेज की लाइब्रेरी में उस समय क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। मोती कट्टे में कुछ अंग्रेज मारे गए थे। अकबरी चर्च लूट लिया गया था, क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। सिल्की मंडी में लाकर जो है उसका सामान जो है मेव जाति के लोगों ने छुपाया था। उसी समय जो है तांतिया टोपे ने गदर फेल हो जाने के बाद गोकुलपुरी में शरण ली थी, मंदिर में, सोमेश्वरनाथ जी के मंदिर में। जी। जब अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना मिली थी तो उसने जो है तोप से आगरा कॉलेज की बाउंड्री को उड़वा दिया था और गोकुलपुरा की बाउंड्री को उड़वा दिया था। उसमें केवल कंजर्वा बनाया, उसके आसपास की दीवार जो है वो नाई की मंडी से के चौराहे से, ढाका चौराहे से गोले बरसाए गए थे और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद जो है कुछ समय तक क्रांति का मामला जो है आगरा में ठंडा रहा। उसके बाद जो है जब स्वतंत्रता आंदोलन चला गांधी जी के नेतृत्व में, तब यहाँ गांधी जी का 2 बार आगमन हुआ था। एक बार यहाँ तिलक जी आए थे, तिलक जी की बग्घी को यहाँ युवकों ने खुद घोड़े की जगह खींचा था। अच्छा, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ था। यहाँ पे हार्डी बम कांड हुआ था जिसमें डीएम जो है हार्डी घायल हुआ था। वो क्या और घटना हुई थी? घटना हुई थी, रामलीला की बारात निकलनी थी और बेलनगंज में क्रांतिकारियों ने योजना बनाई थी इसको, इसमें धमाका करके इस तरह की घटना की जाए कि केवल देश ही नहीं बल्कि इसकी सूचना भी विदेशों में भी पहुंचे। ठीक है। और ऐसा हुआ था। उसमें कई क्रांतिकारी थे, उसमें रोशनलाल कर्णेश की नेत्र ज्योति चली गई थी, वासुदेव गुप्त भी थे, वासुदेव गुप्त राम भी थे, सिंह जी थे, राम सिंह जी थे। कई लोगों ने ये लोग त्रिकंठक कहलाते थे समय से, सुनने में बिल्कुल आया। बिल्कुल ये कहलाते थे। बरौलिया बिल्डिंग बदरगंज में बरौलिया होता बिल्डिंग बेलनगंज के चौराहे पे ही है, है। वो बड़ी बिल्डिंग है। वहां कांड हुआ था और बम जो है रेल की पटरी के पास से फेंका गया था, उससे उन्होंने फरार हो उसमें गया। हार्डी क्या मारा गया था क्या? नहीं मारा नहीं गया था, हड्डी जो उसमें घायल हुआ था, बच गया था। लेकिन उसकी चर्चा जो है वो इंग्लैंड तक हुई थी, लंदन तक उस अच्छा घटना अच्छा की चर्चा हुई थी। इसके बाद चमरौली कांड हुआ था। चमरौली कांड के अलावा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है उस समय हाई स्कूल था यहाँ, उसमें आग लगा दी गई थी। उसमें ऋषिनाथ नागर वगैरह का हाथ था। इनकम टैक्स ऑफिस उस समय वर्तमान स्थान पर नहीं था, दीवानी कचहरी के सामने था।
चर्च रोड पे, जहाँ इस समय आवास विकास का जो उपाध्यक्ष का निवास है, आगरा विकास प्राधिकरण, वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर, उसमें जो आग लगा दी गई थी। अच्छा, उसमें कई लोग जो है पकड़े गए थे। इसके अलावा जो है यहाँ संत भगत सिंह, सुखदेव वगैरह लोग रहे, ये लोग जो है वर्तमान में पंछी पेठा स्टोर के सामने जो बिल्डिंग है, नूरी गेट में, भगत सिंह पेठा के सामने जो स्थिति है उसमें वो लोग रहे। इसके बाद बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये भगत सिंह कुछ समय नाइक मंडी में भी रहे, छोटा गली। अच्छा, छोटा गलीपुरा में वहाँ रहे। और यहीं से जो है बम बनाकर झांसी के जंगलों में उसका विस्फोट करके प्रयोग किया जाता था कि हमारा बम विस्फोट कर सफल रहा या नहीं रहा। ओके। और उसके बाद जो है 42 में आंदोलन जोरों से चला, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई गई थी। और इससे पहले 30 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि आगरा वह पहला स्थान है जहाँ इतने बड़े पैमाने पर विदेशी वस्त्र जलाई गई। अच्छा, तो चमरौला कांड क्या है? रेल की पटरी उड़ाई गई थी, उस पर गांव पर सामूहिक जुर्माना किया गया था, अंग्रेजों ने जुर्माना किया था। और उसके पास सोनगा गांव था, उसमें भी बड़े पैमाने पर क्रांति की हुई थी। उसमें प्रत्येक घर पर 100 रुपए जुर्माना अंग्रेजों ने लगाया था, जो उस समय बहुत बड़ी धनराशि थी। अच्छा, नहीं, वो उसमें कुर्की हो गई थी, उसमें बहुत लोगों के बेघर हो गए थे, बहुतों के पशु जानवर वगैरह जो नीलाम कर दिए गए थे। लोगों का इतना पैसे नहीं था कि 100 रुपए का भुगतान कर पाते। अकबरी चर्च जो अकबर ने बनवाया था, उसमें लूटने के लिए क्या था लोगों के पास? उसमें घंटे थे। अच्छा। पीतल के और सोने के काम किए हुए, अकबर के दिए हुए कुछ चीजें थी, दीपदान वगैरह थे, जो कि मेव जात के लोगों ने सिर्फ गुड़ की मंडी से जाके लूट लिया था, और गुड़ की मंडी में लाकर उसका सामान छिपा लिया था। जब अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने जो है, उस समय मजिस्ट्रेट था फ्रांसिस, वो जो है फोर्स लेके आया, उसने गुड़ की मंडी, सॉरी सर की मंडी पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से लड़ाई हुई, उसमें काफी मेव मारे गए, और जो मेव मारे गए उससे वो सामान अपना वापस ले गए काफी। इससे भारत आगरा में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनको भारी धक्का पहुंचा था, ब्रिटिश शासन की धाक दोबारा से जम गई थी। आगरा किला है यहाँ पर, तो उस किले के इर्द गिर्द क्या स्थिति थी? लड़ाई में पहले मुगलों का कब्जा रहा, फिर कब्जा अंग्रेजों का रहा, तो क्या कभी भारतीय कब्जा कर पाए इस किले पर लड़ाई के दौरान? 1857 की लड़ाई के दौरान इस पर कब्जा नहीं कर पाए। इस पर मुगलों से ये किला जो है जाटों ने 1761 में ले लिया था, सूरजमल जाट ने ले लिया था। 14 साल वो उस पर काबिज था। 1775 में मराठों ने उस पर अधिकार कर लिया जी। और 1803 में जब अंग्रेजों ने लड़ाई जीती, दिल्ली आगरा पर अधिकार किया, तो किले पर उनका अधिकार हो गया। 1803 से लेकर और आजादी तक, 1947 तक अंग्रेजों का ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक उस पर लहरा था। तो सब ये क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा एतमाद प्रोफेसर सोबरन सिंह और उसके भाई ने लाल किले पर उस ब्रिटिश शासन के दौरान ही झंडा फहरा दिया था। उन लोगों ने वो चपरासी बन के आए थे, डाक लेने का बहाना करके, और किले के अंदर गए थे। छोटे भाई ने अपनी कमर पर झंडा लपेट रखा था। वो लोग भीतर पहुंचे, और भीतर पहुंच के एक भाई जो है उस किसी बहाने से रुका, दूसरे भाई ने उसकी दीवार पर झंडा लगा दिया। अच्छा। और वो वहां से निकल लिया। और बाद में चुंगी कचहरी पे जो आंदोलन हुआ था, सभा हुई थी, उसमें वो सुब्रत सिंह बाद में दूसरे आंदोलन में मारा गया था। तो उसकी सुनते हैं परशुराम युवक मारा गया था चुंगी मैदान पर, वो दूसरा था लड़का, वो तो काफी कम उम्र का लड़का। अच्छा। इसके अलावा सुनने में आता है कि बैप्टिस्ट चर्च पर भी कब्जा किया गया था क्या? बैप्टिस्ट चर्च पे भी कब्जा किया गया था, और वहां भी क्रांतिकारी गतिविधि हुई, तिरंगा उस पर फहराया गया था। तो आपको लगता है कि उस समय जो लोगों के अंदर ज्वाला थी देश के प्रति, वो आज नजर आती है क्या? नहीं,
वो जो है इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ये दूसरी गतिविधियों में जो है जनमानस लिप्त हो गया है। अब जो है आदमी खाने कमाने के चक्कर में और किसी भी तरह से पैसा अर्जित करने में लग गया है। जो राष्ट्रीयता की और भावना थी वो पहले वाला जज्बा नहीं रहा। सर कारण क्या मानते हैं, क्या है स्थिति, क्यों बढ़ता हुआ भौतिकवाद? भौतिकवाद बढ़ रहा है तो इसका निदान क्या हो सकता है? हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति केवल जिसको हम कहते हैं कि मैकाले की पद्धति थी, वो मैकाले ने चलाई थी, लेकिन हमको आज आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं। 70 साल में हमने अपनी शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें परिवर्तन करके इसको इस तरह बनाया जाना चाहिए कि व्यवसाय के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा भी युवकों में पैदा हो। शिक्षा में केवल डिग्री ले लो, नौकरी करो, आज का उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए। जो पुरातन पद्धति थी कि देश के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो भावना नहीं रही। नहीं, क्या आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से आशा है कि देश के लिए कुछ करेगी, ऐसा कुछ लगता है? इस समय मेरे विचार में वर्तमान में काफी अच्छा नरेंद्र मोदी काफी कुछ कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि और आएंगे। पहली बार देश का डंका विदेश में, पहली बार देश का डंका विदेश में गया और इंदिरा गांधी के बाद पहली बार इतना सबल प्रधानमंत्री देश को मिला, देश को मिला है। ठीक है सर, तो आपकी इतिहासकार के रूप में आपको लगता है कि आगरा का जो इतिहास है या देश का जो इतिहास है वो ठीक से लिखा गया है क्या? नहीं, आजादी की दृष्टि से नहीं, इतिहास नहीं लिखा गया है। इतिहास लेखन के अगर हम शुरू से देखें तो ये कि हिंदू इतिहास लेखन में प्रारंभ से कमजोर रहा। अच्छा। उसने जो कुछ इतिहास लिखा वो चारणों और भट्टों और कविता के रूप में लिखा। जब इतिहास कविता के रूप में लिखा जाता है तो उसमें काफी कुछ इस तरह की घटनाएं मिला देनी पड़ती है कि उसमें वास्तविकता नहीं रहती। उसके बाद जो है इतिहास मुसलमानों ने काफी अच्छा लिखा, मुस्लिम इतिहासकारों ने, लेकिन उनके इतिहास लेखन में ये कमी थी, उनका इतिहास लेखन एक पक्षीय रहा। जैसे कोई मुस्लिम सरदार मारा गया तो उन्होंने उसको लिखा कि वो जन्नत नसीब हुआ, कोई हिंदू सरदार मारा गया तो उन्होंने लिखा कि काफी जो है दोजख को चला गया। इस तरह उन्होंने अपने इतिहास को विकृत करके लिखा है। और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, उनका एक अपना अलग दृष्टिकोण था। इसमें इलिया कैन डांसन ने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने संपूर्ण भारत का इतिहास, जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ अब तक लिखे गए खासतौर पर मुस्लिम काल में, उनको उन्होंने इन 8 भागों में विभाजित करके और उनकी प्रमुख घटना एक जगह लिख दी है। अच्छा। वो काफी कुछ निष्पक्ष है और सही है। तो क्या आपको लगता है कि इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है? इतिहास के पुनर्लेखन की पूरी पूरी आवश्यकता है। हमारा इतिहास नए सिरे से जो है पूरा लिखा जाना चाहिए। जो अब तक इतिहास चल रहा है उसमें अलग अलग लोगों में, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि राणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ, इसको बहुत से लोग हिंदू मुसलमान के युद्ध के रूप में देखते हैं, जबकि अकबर की तरफ से मानसिंह राजपूत को लेकर लड़ रहा था। हाँ जी। और उसकी तरफ से हकीम खान सूर लड़ रहा था राणा प्रताप के साथ 3,500 आदमियों को लेकर, और वो लड़ाई के मैदान में मारा भी गया था, राणा प्रताप खुद तो मारे नहीं गए थे। तो उसमें दोनों तरफ से राजपूत और दोनों तरफ से मुसलमान लड़ रहे थे, लेकिन इस रूप में नहीं पढ़ाया गया था, ये बात नहीं बताई जाती। लड़ाई सत्ता की, लड़ाई सत्ता की थी, उसमें दोनों से दोनों लड़ रहे थे। उसमें कोका ने उससे पूछा था युद्ध के समय पे कि मैं जो है दुश्मनों को कैसे पहचानूं, जब उससे पूछा था तो नूरजहां के भाई आसिफ खान ने उसको उत्तर दिया था कि जो तुम्हें राजपूत दिखाई दे उस पर तीर चलाओ, वो किसी भी तरफ कहो ये काफिर तो कम होगा। लेकिन वो युद्ध नहीं था। इस तरह से जब राणा सांगा का बाबर का युद्ध हुआ था तो बाबर की तरफ से भी जो है, सॉरी राणा सांगा की तरफ से भी जो है मुसलमान लड़े थे, बड़ी तादाद में 3,500 के करीब मुसलमान थे जो राणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। मैं वहाँ खाना मैदान होकर आया था तो वहाँ अधिकांश लोग मुस्लिम से हैं, सबने बड़े देशभक्ति पढ़ते हैं, हमें बड़ी खुशी है कि हमने राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे पत्रकार आगरा के साथ। मैं हूँ भानु प्रताप सिंह।